नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 16, चोरी। सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना बाल मित्रों? आज हम नया चैप्टर शुरू करना है हमें, तो हम पहले कुछ और थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, या मैं कुछ आपको समझाना चाहती हूँ। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, हम कह सकते हैं शिक्षित और अशिक्षित। अशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, और शिक्षित मतलब पढ़े लिखे हैं। जो शिक्षित है अर्थात जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़े हो लिखे होने के कारण उन्हें नौकरी आसानी से मिल जाती है। पर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसा वर्ग है जो पढ़ा लिखा नहीं है। उसका कारण, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि शायद पैसों की कमी होना, माँ बाप का पढ़ाने ना भेजना, गरीबी होना, खाने को ना मिलना, तो पढ़ने के लिए किस तरह से पैसे दिए जाए, ऐसे बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जब बड़ा होता है, तब स्वाभाविक है कि उसको कोई अच्छी सी नौकरी तो मिलेगी ही नहीं। तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो उसे क्या करना है, या तो उसे मजदूरी करनी पड़ती है, या नौकर का काम करना पड़ता है। कहीं पर घर पर जाकर झाड़ू फट्टा लगाते हैं, या क्या बोलते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बाल मित्रों कि केवल ये जो अनपढ़ लोग ही ऐसा करते हैं, नहीं, पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी अपनी मनपसंद नौकरी ना मिलने के कारण, वह भी छोटा सा व्यवसाय, चाहे रिक्शा चलाना है या क्या बोलते हैं कि ठेला चलाना, ऐसा कार्य करते जब तक कि उन्हें मनपसंद कार्य करने को ना मिले। परंतु यहाँ तो ऐसे वर्ग की बात हो रही है जो सचमुच किसी मजबूरी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं और उन्हें नौकर बनकर काम करना पड़ता है। अब बाल मित्रों, आप खुद ही विचार करो कि जब भी हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है, अनजान या नौकरी काम वाला कोई भी व्यक्ति आता है, तो हमारे मन के अंदर एक शंका होती है कि कहीं ये चीज़ उठा तो नहीं लेगा ना। जब तक हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाली बाई या कपड़े धोने वाले रहते हैं या बर्तन मांजने वाले, तब तक हम अपने घर को एकदम से खुला नहीं छोड़ते हैं। साथ साथ जो जहाँ तक, जब तक वो काम करते रहते हैं, तब तक हम वहाँ खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक ही बात होती है कि कहीं हमारी वस्तु यहाँ से चली ना जाए। बच्चों, वो अपनी मजबूरी के कारण काम करते हैं, तो काम छोटा या बड़ा हो, पर वो ईमानदारी से करते हैं। ये नहीं है कि वो बर्तन मांजने वाले हैं या झाड़ू पोछा करने वाले, तो इसका मतलब वो चोर होंगे, उनमें ईमानदारी नहीं है। पर उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो अच्छा काम नहीं कर पाते और उन्हें इस तरह का काम करना पड़ता है। तो समाज में ज़्यादातर काम वालों के प्रति, नौकरों के प्रति बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैली हुई है कि नौकर है वो घर की पूरी बात जानकर किसी दूसरों को बता देते हैं और बाद में चोरी करते हैं। ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं, वो फैली रहती है। हमें बिना किसी को जाने पहचाने नौकर नहीं रखना चाहिए। ये बात सही है कि जब तक हम किसी का उसका आइडेंटिटी कार्ड देखना चाहिए, उसको पूरा नाम वगैरह पता है, उसके बाद हमें उसे अपने घर पे काम पर रखना चाहिए। पर उसके बाद हमें कभी भी उसकी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। ऑब्जर्व करिए आप, परंतु शक मत करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति छोटा काम करने वाला है, वो बेईमान नहीं होता है। नौकर है, नौकरों के प्रति हमारे मन में हमेशा संदेह रहता है। अब नौकर है, यदि चोरी करेगा तो वो क्यों चोरी करेगा? नौकर, उसकी चोरी करने का उद्देश्य क्या होता है? उसका कारण हम खुद स्वयं है। क्यों? क्योंकि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसे कुछ भी नहीं मिलता है, और अमीर के घर के बच्चे हैं वो हर एक सुख सुविधाओं में और खाने पीने मिलती है, और उन्हें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। जब एक छोटा सा बच्चा यदि आपके घर में हो और वह आपके घर में नौकर का काम कर रहा है, और उसी के सामने बैठ कर सारे के सारे बड़े हैं, वह बहुत अच्छा खाना खाए, नई नई चीज़ें खाएं, नई नई चीज़ें और लेकर खेले छोटे बच्चे, तो वो छोटा सा बच्चा है तो स्वाभाविक है कि उसका मन तो ललचाएगा ही। और जब वो आपसे मांगेगा तो क्या आप उसे देना चाहोगे? कभी नहीं। उसे क्या कहोगे? नौकर रहो, नौकर की तरह रहो। ऐसे बच्चे जब दूसरों को खाते हुए देखते हैं तो ललचाते हैं।
उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके, और इसीलिए वो क्या करते हैं, चोरी की तरफ प्रेरित होते हैं और चोरी करते हैं। तो क्यों ना हम खुद ही नौकर के प्रति समानता का व्यवहार रखें, हम क्यों उन्हें नौकर समझें, हमें उन्हें अपने घर का सदस्य ही समझना चाहिए। वह काम जरूर छोटा कर रहे हैं परंतु ईमानदारी से कर रहे हैं। तो यदि हम उसे भेदभावपूर्ण नीति नहीं रखेंगे तो कभी उनका ध्यान चोरी की तरफ जाएगा ही नहीं, और हमारे समाज में से अपने आप में जो चोर चोरी करने की जो लोग चोरी करते हैं वह अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगी। उसका कारण हम स्वयं ही, क्योंकि जो समाज में हर किसी को नहीं मिलता है उसे हमें दूसरों को दिखाकर खाना ही नहीं चाहिए। तो बाल मित्रों, आज का हमारा विषय है हिंदी में चैप्टर नंबर 16 चोरी, एक कहानी है। इसके लेखक है यशपाल जैन है। उनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। हम यशपाल जी का परिचय पढ़ते हैं। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई थी। लेखनी चलाना मतलब आपने अपनी कलम चलाई थी, यानी लिखा था। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने कई अनेक कहानियां लिखी है। बाल मनोविज्ञान यानी बालक के मन की स्थिति कैसी होती है उसके ऊपर उन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री भी प्राप्त हुआ, यानी भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री, उनके ख्याति नाम कृतियां हैं। ख्याति नाम यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली कृतियां हैं। इस कहानी में उन्होंने क्या बताया है कि नौकर हमारे परिवार का अंग होता है, अंग यानी हमारे घर का सदस्य ही होता है। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए। आत्मीय मतलब उसे अपनेपन का उस व्यवहार उसके साथ करना चाहिए और उसे अपने घर के सदस्य की तरह ही स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दार्य पूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। अर्थात जो हम खाते हैं वह चीज हमें हमारे नौकरों को भी देनी चाहिए, जिससे कि जो मानवता का जो गुण है वह बना रह सके और चारों तरफ सुख और शांति और आनंद और खुशियाँ बनी रह सके। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ पर सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। एक ऐसे परिवार की कहानी बताई है यहाँ पर यशपाल जी ने कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा है वह अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर पाता है और छोटे से जमीन पर पड़े हुए कुछ मेवे के टुकड़ों को वह उठा लेता है। जब घर की मालकिन उसे देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ चोरी करके लेकर जा रहा है। वह अपने पति से कहती है और उसका पति उस नौकर को रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह छोटा सा बच्चा है, जल्दी से दौड़कर बाहर कूड़े में जाकर वो मेवा है उसके अंदर दो चार किशमिश के जो दाने थे वहाँ पर फेंक कर आ जाता है। जब मालकिन बार बार उससे पूछती है और वो जवाब नहीं देता है, उसका मालिक उससे पूछता है और जवाब नहीं देता है, पर जब पता चलता है कि उसने क्या चुराया था और क्यों चुराया था, तब उन्हें आत्मग्लानि होती है कि क्यों हमने उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया। बाल मित्रों, मैंने अभी बच्चे का नाम नहीं बताया और मालिक और मालकिन का नाम नहीं बताया, परंतु हम पाठ के साथ साथ इसे देखते चले जाएंगे। तो अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बाल मित्रों, मैंने यहाँ पर कठिन शब्दार्थ लिख दिए हैं और साथ साथ कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं बताती जाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनो। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे, कूड़ा कूड़ा यानी कचरा रखे हुए जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी, बरामदा यानी बारामदा में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास
ओर यानी तरफ और अनायास यानी बिना किसी प्रयत्न के या अचानक उसकी ओर चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है। मुट्ठी मतलब इस तरह से उसकी मुट्ठी बंधी हुई है। यह किसने? मालती ने देखा। और कुछ पीछे की ओर यानी तरफ जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। आड़ में कर ली, आड़ यानी ओठ में, अर्थात यहाँ पर नंदन है, सॉरी बिंदु है। वो बिंदु एक छोटा सा बच्चा, काम वाला बच्चा था, जो मालती के घर में नौकरी करता था, नौकर का काम करता था। जब वो कमरे को साफ कर रहा था तब उसने झाड़ू के ऊपर कचरे को रख कर वह कचरे को फेंकने के लिए जा रहा था। जब वो बाहर की तरफ जा रहा था तो बरामदे में कौन मालती बैठी थी और उसका ध्यान अचानक बिंदु की तरफ जाता है तो उसने क्या देखा कि बिंदु के एक हाथ है वो मुट्ठी से उसके हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है और वो उस मुट्ठी को आड़ में यानी ओट में छुपाकर आगे कचरा फेंकने के लिए जा रहा है। यह बात किसने? मालती ने देखी। मालती को लगा हो रहा हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा बिंदु, जब मालती ने उसकी मुट्ठी बंधी हुई देखी और उसे छुपाते हुए देखा मुट्ठी को, तो मालती को लगा कि बिंदु ने कमरे में से कोई ना कोई चीज़ उठा ली है, इसलिए उसने बिंदु को आवाज़ दी। बिंदु बिंदु दो कदम यानी दो कदम थोड़ा सा आगे चलकर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही नहीं। उसने मालती की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और वह आगे की तरफ बढ़ने लगा है। वह चलता ही गया बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल कुछ और तेज हो गई। पुकार यानी चिल्लाहट पर जब उसने मालती ने बिंदु बिंदु कहकर उसे पुकारा और रुकने के लिए कहा तो जैसे ही मालती की आवाज़ आई तो बिंदु की चाल और ज़्यादा तेज हो गई। वह कूड़ा फेंकने के लिए और जल्दी, जो धीरे धीरे जा रहा था वो जल्दी जल्दी जा रहा जाने लगा। तेजी आ गई। गुस्से से भर कर उसने कहा बिंदु ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है। उसने बिंदु को रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि तुम रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, परंतु बिंदु रुका नहीं। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया और वह गया। मालती की बात सुनकर बिंदु अभी तक तेजी से चल रहा था, उसके बदले वो बाहर दौड़ कर निकल गया। मालती के संदेह की पुष्टि, संदेह यानी शंका, उन्हें उसे जो शंका थी उसकी पुष्टि हो गया था, तो उसे समर्थन मिल गया कि बिंदु ने जरूर कमरे से कोई ना कोई चीज़ उठाई है। यह उसे संदेह था, शंका थी, और अब जब बिंदु दौड़कर बाहर की तरफ भागा तब उसे समर्थन मिल गया कि ना वो ना हो बिंदु ने कमरे में से कुछ लिया ही है। यह सब काफ़ी था, काफ़ी यानी पर्याप्त था अपनी शंका को समर्थन देने के लिए। उसने तेजी से कहा कि साथ कहा सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। उसने जब बिंदु को दौड़कर बाहर निकलते हुए देखा तब उसने अपने पति को आवाज़ लगाकर कहा कि बाहर आओ, बिंदु है वह कुछ लेकर जा रहा है कमरे में से। नंदन अपने कमरे, नंदन उसके किसके, मालती के पति का नाम क्या था? नंदन था। नंदन अपने कमरे में बैठा पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब न, अर्थात जब वह नंदन अपने कार्य में व्यस्त था, पत्र लिखने के कार्य में, तो मालती जोर जोर से चिल्ला रही थी बिंदु को रोकने के लिए, तो उसकी चिल्लाहट है वह नंदन को अच्छी नहीं लग रही थी और वह नहीं बाहर की तरफ मालती के बुलाने पर उसके पास जाना नहीं चाहता था, परंतु मालती मानती नहीं, इसलिए उसे मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। एक टाल दे, एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए लिए कुछ जा रहा है। सपाटे से मतलब बहुत जल्दी। वह मालती है नंदन के पास कमरे में आती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी चलो, बिंदु है वो हाथ में मुट्ठी बांधकर कुछ कमरे में से उठाकर लेकर जा रहा है। नंदन ने कलम एक और रख दी, कलम यानी अपनी जो पेन जिससे वो लिख रहा था उसने एक और यानी तरफ रख दी, जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, और अर्थात मालती ने उसे इस तरह से आने के लिए कहा
तो उसे बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था, क्योंकि उसे अपना काम छोड़ना पड़ रहा था और उठाकर जबरदस्ती कोई उसे उठाकर ले जा रहा है, उसे इस तरह का अनुभव हो रहा था। वह उठा, कमरे से बाहर आया तो क्या देखा, बिंदु लौटकर आ रहा है। हाथ में, एक हाथ में झाड़ू है और दूसरा हाथ रीता, रीता यानी खाली होना, रीता यानी उसका एक हाथ में झाड़ू थी और दूसरा हाथ खाली था और नीचे लटक रहा था। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। उबल पड़ना यानी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मालती के गुस्से का कारण क्या था, एक तो उसके हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, एक दूसरा उसे क्या लगा कि इसने मुट्ठी में जरूर कुछ छुपा कर गया था और मेरे बुलाने पर, मेरे रोकने पर वह रुका नहीं। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया और जैसे ही बिंदु वापस लौटा तो वह उबल पड़ना यानी बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगी। और क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही, गला फाड़ना मतलब जोर जोर से चिल्लाना, गला फाड़ती रही और तू रुका ही नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। उसे गुस्सा आया कि मैं तुझे बार बार रुकने के लिए कह रही थी पर तूने मेरी बात माने बिना दौड़कर चला गया, अब बता कि तू हाथ में क्या छुपा कर लेकर जा रहा था। यह बात मालती है वो बिंदु से पूछती है। बिंदु का चेहरा फक यानी चेहरे का रंग उड़ गया। एकदम से कोई चोरी पकड़ी जाए आपकी तो आपका चेहरा यानी चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरे फक पड़ जाना यानी चेहरे का रंग उड़ जाना हम कहते हैं, रंग जैसा है वैसा ही, पर अचानक से एकदम से कोई गलती हमारी या कोई चोरी पकड़ी जाती है तो हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, उसी तरह चेहरे का रंग उड़ गया। किसके, बिंदु के चेहरे का। कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बीबी जी, झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर तू रुका क्यों नहीं। जब उसने कहा बीबी जी मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तब बिंदु उससे कहती है कि तू झूठ बोल रहा है, यदि तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे आवाज़ लगाने पर तू रुका क्यों नहीं, तुझे रुक जाना चाहिए था। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, रोषपूर्ण यानी गुस्से वाले स्वर में कहा कि तू रुका क्यों नहीं। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला घबराओ नहीं, सच बताओ क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस को दे दो, लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। चिढ़कर बोलना, चिढ़ना यानी गुस्से से नाराज होकर बोलना कि उसे पुलिस को दे दो, इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है, इसीलिए चीज़ें उठा उठा कर ले जा रहा है और ऊपर से झूठ बोल रहा है। जब मालती उसे गुस्से से पूछ रही थी कि तेरे हाथ में क्या है, तब नंदन ने बिंदु से कहा, बेटा घबराओ मत, तुम क्या लेकर जा रहे थे ये बात मुझे बताओ। तब नंदन से बिंदु कहता है कि बाबूजी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तब उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है मालती और कहती है कि झूठ बोल रहा है, तुम्हारे हाथ में कोई ना कोई वस्तु थी, तुम्हें जरूर पुलिस को पकड़ा देंगे तो तुम अपने आप सच बोलोगे, क्योंकि लातों के देव बातों से नहीं मानते, अर्थात मार खाने वाले व्यक्ति हैं, उनसे जब कोई बातचीत की जाए तो वो बातों से का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता जब तक कि उन पर ना मार ना पड़े। तब उसने कहा कि हमने इस बेईमान को, बेईमान यानी जो ईमानदार ना हो उसे हम बेईमान कहते हैं, कि मैंने अपना सारा घर, हमारा सारा घर इस नौकर के भरोसे पर छोड़ रखा है, तो जरूर ये कोई ना कोई चीज़ें उठा उठा कर लेकर जाता होगा और साथ साथ ऊपर से झूठ भी बोलता है। मालती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बिंदु पर और नंदन है वो बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।